हेलो हाय नमस्कार मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में आज आपके मन में एक और सवाल जो अक्सर आपके दिमाग में आता है कि एन ऑन डिमांड एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में बताने वाले हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ इसका एग्जाम सेंटर नहीं होता है कहाँ इसका होता है क्या कुछ पॉसिबिलिटी है इसका क्या इसमें कुछ हेल्प मिल सकती है एग्जाम के दौरान में अगर पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम के कॉम्पटेटिवली बात करें तो ये सारी बात इस वीडियो में होने वाली है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा ये तीन काम आप कर लें पहला चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाई कर लें दूसरा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और तीसरी चीज हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है ये ऐप आप, आप सभी के लिए ही बनाया गया है ताकि आप उसमें ई बुक्स प्रैक्टिकल और बहुत सारे कंटेंट आप वहां पर लाभ ले सके तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम का एग्जाम सेंटर कहां कहां होता है पहले तो, तो हमें यह समझना होगा कि ऑन डिमांड एग्जाम में सिस्टम क्या होता है सिस्टम का मतलब है कि जैसे मान के चलिए आपको ऑन डिमांड एग्जाम देना है तो आप क्या करेंगे तो आप एनआईएस के पोर्टल पर जाएंगे आप खुद से एडमिशन करेंगे नहीं समझ में आता हम अपने हमारी टीम से करवा सकते हैं जो नंबर डिस्प्ले पर दिया उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बट मान लेते हैं कि आप खुद से भी एडमिशन करते हैं किसी से करवाते भी हैं तो वहां पर क्या होगा कि भाई आपको सेलेक्ट करना होता है जैसे मान के चलिए कि अब आप किसी स्पेशल जगह पर रहते हैं मतलब भारत में सब जगह स्पेशल है भाई तो वहां रहते हैं तो वहां पर जब उस लोकेशन को आप डालेंगे ना अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालेंगे तो वहां पर जो भी सेंटर्स होंगे वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा साथ में ये भी मेंशन होगा कि इस डेट में इतना सीट खाली है इस डेट में इतना सीट खाली है इस डेट में इतना सीट खाली है फिर आपको जहां भी लगेगा कि हमारे नज़दीक है या हमारे लिए सही हो सकता है वहां पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं तो देखिए जैसे जनरली जो मेरा अनुभव है जितने सालों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ जैसे आपका के हो गया केंद्रीय विद्यालय हो गया या आप मान के चलिए कि जैसे रीजनल सेंटर हो गया एन का या हेड क्वार्टर हो गया इन्हीं जगहों पे ज़्यादातर आपको जो है ना एग्जाम सेंटर मिलता है मतलब वहां पर आपको ऑप्शन दिखता है बहुत कम ऐसे होते हैं कि कोई स्कूल हो गया या कुछ ऐसा जगह हो गया बहुत रेयर होता है कि वहाँ पर आपको मिलता है अब जब आप रीजनल सेंटर की बात करते हैं नोएडा क्वार्टर की बात करते हैं या फिर आप केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं यहाँ पर चेकिंग बहुत ही सख्त होता है मतलब चेकिंग नहीं कहेंगे जब मतलब जो वहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं आपके एग्जाम को निरीक्षण करने के लिए आते हैं इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं वो काफ़ी टाइट होता है वहाँ पर ठीक है ना तो यहाँ पर फर्रे चलाना या फिर किसी प्रकार की हेल्प लेना थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल काम हो जाता है तो आप इसको दिमाग में ना ले चलें तो ही अच्छा है इसकी जगह पे अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे ज़्यादा अच्छा होगा और इसके लिए हमारे ऐप में हमने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्स डिजाइन कर रखा है या कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा बहुत अफोर्डेबल है ज़िंदगी में बहुत पैसे हम खर्च करते हैं पर पढ़ाई के लिए अगर सही जगह पर कुछ पैसे खर्च कर दें तो जीवन बन जाएगा तो ये चीज़ें आपको समझना है कि अगर हम पढ़ के जाएंगे तो ही हमारा काम होगा अगर हम किसी और चीज़ में जाते हैं या कोई आपको बोलता है कि हम आपकी हेल्प कर देंगे हम इतने पैसे दे दो वो दे दो ये दे दो तो इन बातों पे बिल्कुल मत विश्वास करना क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टडी सेंटर वालों से बात किया वो कहते हैं देखिए अगर पब्लिक एग्जाम होगा तो एक बार के लिए हम कुछ सोच सकते हैं लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम में हाथ जोड़ते हैं हमें इस बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम या तो रीजनल सेंटर होते हैं या फिर नोएडा हेडक्वार्टर हो गया केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ तो होता ही नहीं है तो प्रॉब्लम वहां पर तब हो जाता है कि ऐसे कंडीशन में सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं ठीक है ना ये पूरी बात थी यहाँ पे कि भाई कहाँ-कहाँ सेंटर हो सकता है ऐसे वहां तो आपको दिखा देगा लेकिन एक माइंड मेकअप आप करके चलेंगे कि हाँ भाई जरूरी नहीं है कि हम जहां रहते हैं उसके दस किलोमीटर 5 किलोमीटर में आ जाए अगर आपका एरिया ऐसी जगह पर है जहां से शहर दूर है या हो सकता है क्योंकि गिनती से है ना वहां से रीजनल सेंटर दूर हो वो तो अस्सी किलोमीटर दूरी पर भी दे सकता है जैसे बिहार में मैंने एक करवाया था तो उसको में कर रहे हैं। तो हमें दस किलोमीटर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है ठीक है इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर बाइंड करेंगे उम्मीद करेंगे इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा फिर भी कोई क्वेरी कुछ बात होती है तो आप मुझे काउंसलिंग मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें विश यू ऑल द बेस्ट